हे हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है ओप्पो फाइंड एन 3 फ्लिप। तो आज मैं आपको ओप्पो फाइंड एन 3 फ्लिप के बारे में बताने वाला हूँ। ओप्पो फाइंड एन 3 में जो है आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले है, क्या फीचर्स मिलने वाले है, हर चीज़ की डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आप मेरा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। स्पेशल मैंने इसकी पूरी डिटेल में आपको आज जानकारी देनी है। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये देख सकते हो आप, इसका जो है ओप्पो फाइंड एन 3 का बॉक्स, काफ़ी कूल सा बॉक्स दिया हुआ है। अच्छा बड़ा, जैसे आपका मिठाई का डब्बा होता है, काफ़ी अच्छा बड़ा बॉक्स दिया हुआ है। तो अगर देख लेते हैं इसके कलर के बारे में, तो ये जो रहेगा कलर इसका जो है क्रीम गोल्ड रहेगा। क्रीम गोल्ड में आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो सेकेंड कलर रहेगा मिस्ट ब्लैक कलर, ग्लॉसी कलर में आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो है MRP अगर देखते हैं तो बॉक्स के ऊपर आपको MRP मिलती है 99,999, यानी कि 1 लाख रुपीज़ इसका जो है आपको MRP इस पर बॉक्स पे मिल जाएगी। बट इसकी जो एक्चुअल प्राइस रहेगी मार्केट में, इसकी प्राइस रहेगी 95,000। इसका जो फर्स्ट डे सेल रहेगा 17 तारीख से ऑल ओवर इंडिया में ये आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई नॉर्मल सी जानकारी। अब चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग करके कि इसमें आपको मिलने वाला क्या है। जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते। ये हमारा रहा फोन, इसे हम आराम से डिटेल में हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये आप देख सकते हो, इसमें जो है आपको कुछ यूज़र एंड गाइड्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है इसका बैक पैनल, ये इसका बैक पैनल आप देख सकते हो, बहुत ही यूनिक इस बार दिया हुआ है। क्योंकि हर बार कंपनी या कोई भी कंपनी जो होती है आपको ट्रांसपेरेंट में देती है कवर। ट्रांसपेरेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप वो 6 मंथ 4 मंथ भी यूज़ करते हो तो बाद में वो पीला सा पड़ने लग जाता है या ब्लैक सा हो जाता है। तो बाद में इसके कवर मार्केट में मिलते नहीं या फिर बहुत ज़्यादा हाई रेंज के होते हैं। तो इस बार कंपनी ने जो है आपको इसका कवर जो है थोड़ा यूनिक कवर दिया है। ये देखा जाए तो ये क्रीम कलर ही दिया हुआ है, क्रीम गोल्ड कलर ही इसका मिल जाएगा आपको। मैं आपको ये भी लगा के दिखा दूंगा कि ये किस तरह से आपको लगाना है। इसमें जो है आपको कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे कुछ प्रीमियम सर्विस के, और ये कुछ यूज़र एंड गाइड्स वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। ये तो कुछ नहीं है। इसमें चार्जर आप देखोगे तो आपको जो है चार्जर 80 वेट का चार्जर आपको इसमें मिलने वाला है। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि इस फ़ोन को जो रहेगा 44 वेट का चार्जिंग सपोर्ट रहेगा, बट आपको फ़ोन में 80 वेट का फास्ट चार्जर मिल जाएगा सुपर वो। ये जो है इसका टाइप सी का केबल, ये आप देख सकते हो टाइप सी केबल। तो ये हमने सब देख लिया है इसके अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये हम रख देते हैं साइड में और देखते हैं इस फ़ोन की डिटेल के बारे में। तो ये रहा हमारा फ़ोन। इसका फर्स्ट लुक आप देख सकते हो, इसमें जो है आपको ट्रिपल रियर कैमरा, इंडस्ट्रीज फर्स्ट। इसका जो टैगलाइन ही आप देख सकते हो, बेस्ट फ्लिप फ़ोन इसका कंपनी ने टैगलाइन दिया हुआ है। ये बेस्ट फ्लिप फ़ोन क्यों है इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, यहाँ पे कुछ यूनिक सा एक डिज़ाइन मिलेगा आपको। जब आप इसको मूव करते हैं, हिलाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग तरह के टेक्सचर आपको इसमें डिज़ाइन दिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक फील होता है। यहाँ पे आपको ओप्पो का ब्रांडिंग नहीं दिखेगा, जैसे कि हर कंपनी यहाँ पे अपना ब्रांडिंग देती है। ओप्पो ने भी अपने फाइंड एन 2 फ्लिप में यहाँ पे ब्रांडिंग दी थी। तो ब्रांडिंग हटा के यहाँ पे पूरा आपको डिज़ाइन दिया गया है कि आप जब इसको मूव करते हो तो बहुत ही यूनिक सा आपको फील होता है। बात करते हैं इसके पैनल की।
पैनल जो है इसका पूरा ग्लॉसी दिया हुआ है, ग्लास पैनल इसमें आपको मिलेगा। और ये जो ग्लास पैनल है इसका गोरिल्ला ग्लास जो है 7 इसमें आपको मिल जाएगा। मैं स्टार्टिंग डिज़ाइन से कर रहा हूँ, इसमें आपको जो है ये पूरा पैनल जो है आपको ये गोरिल्ला ग्लास 7 का पैनल है, बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आपका फ़ोन गिरता है पड़ता है तो ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। तो इसका 6.8 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जिसका रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो काफ़ी स्मूथ और फास्ट इसका डिस्प्ले रहेगा। ये मैंने चालू कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक रिंग आपको दिख रही होगी, जो कि कुछ यूनिक कैमरे के आगे जो रिंग का डिज़ाइन होता है उस तरह का इसका यहाँ पे एक रिंग आपको मिल जाएगी। इसका जो डिज़ाइन का नाम है कॉस्मिस रिंग, ये कुछ थोड़ा यूनिक फील करने के लिए यहाँ पे स्टील का आपको जो है यहाँ पे कॉस्मिस रिंग डिज़ाइन मिल जाएगी। और इसके मिडल में आप देख ही सकते हो कि ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाएगा। ट्रिपल रियर कैमरा जो है आपको जो है इसका जो है फर्स्ट कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा, इसका अपर्चर जो रहेगा 890 सोनी IMX का आपको 50 मेगापिक्सल में आपको सेंसर मिल जाएगा। सेकंड जो इसका है 48 मेगापिक्सल में जो है आपको सोनी IMX 581 यानी 581 का सोनी IMX का आपको 48 मेगापिक्सल में आपको मिल जाएगा। थर्ड कैमरा जो है इसका 32 मेगापिक्सल का रहेगा, जिसमें आपको सेंसर मिल जाएगा सोनी का 709। तो ये तीन जो है फ्लैगशिप लेवल के कैमरे मेगापिक्सल और फ्लैगशिप लेवल के जो है सोनी के सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल जो है मेन कैमरा रहेगा, सेकंड 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा वाइड एंगल में आप फोटो वगैरह वीडियो वगैरह कैप्चर कर सकते हो, इसलिए इसका जो है 48 मेगापिक्सल का 581 सेंसर सोनी के साथ में आपको IMX के साथ में आपको मिलता है। थर्ड कैमरा जो इसका 32 मेगापिक्सल का है, जिसका 709 का सोनी का IMX सेंसर दिया हुआ है, जो कि रहेगा आपका जो है डिजिटल और ऑप्टिकल जूम के लिए आपको इसमें जो है 32 मेगापिक्सल मिल जाएगा। इसका ऑप्टिकल जूम जो रहेगा 2x मिल जाएगा। बात करते हैं इसके 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, इसका जो सेल्फी कैमरा रहेगा 32 मेगापिक्सल के साथ में इसमें सोनी का फ्लैगशिप लेवल का सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि 709 का सोनी IMX का सेंसर आपको इसमें मिलने वाला है। जो ट्रिपल रियर कैमरा है इसके मिडल में आप देख सकते हो यहाँ पे हेजल ब्लेड लिखा हुआ है। अपने स्पेस के फोटोज़ वगैरह आप देखते हो, जो स्पेस के फर्स्ट जो फोटोज़ वगैरह कैप्चर हुए थे तो वो हेजल ब्लेड कंपनी के ही कैमरे से फ़ोटो कैप्चर हुए, तो इसमें आपको हेजल ब्लेड के कैमरे मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके कवर स्क्रीन आपको मिलती, इसकी बैक कवर स्क्रीन की जो साइज़ रहेगी 3.26 इंच का इसका जो है स्क्रीन साइज़ मिल जाएगा आपको, जो कि 60 हर्ट्ज का रहेगा ये AMOLED डिस्प्ले। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है आपको मिलने वाली है, ग्लास पैनल कैमरा वगैरह ये सब आप देख ही रहे हो। बात करते हैं इसके जो है इसमें आप तो 12GB रैम प्लस 12GB रैम एक्सपेंशन इसमें आपको मिल जाएगा। इसकी इंटरनल स्टोरेज की अगर बात करते हैं तो आपको इसमें 256GB का इंटरनल स्टोरेज आपको साथ में इसके मिल जाएगा। बैटरी की अगर बात करते हो सबसे बेस्ट, तो बैटरी जो है अक्सर आप कोई भी कंपनी का फ़ोन देखते हो तो अक्सर शायद ही आपको इसमें 3500 समथिंग वगैरह आपको इसमें बैटरी मिलती है, बट कंपनी ने इसमें जो है आपको 4300 की बैटरी इसमें दी हुई, जो कि आपको बहुत सफिशेंट और लाइट वेट और स्लिम भी देती है साथ में इतनी बैटरी होने के बावजूद भी। तो जो बैटरी जो है बहुत अच्छी है। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको साइड फिंगरप्रिंट आपको मिल जाएगा, फेस अनलॉक वगैरह इसमें सब मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम की अप डाउन आपको इसी साइड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट जो ओप्पो ने फर्स्ट टाइम इसमें जो दिया हुआ है, आपने ये देखा ही होगा वन प्लस में एक आपको साइड में एक बटन मिलता है वन प्लस वगैरह में, इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप इमरजेंसी में फर्स्ट रिंग इसमें आप चालू कर सकते हो, वाइब्रेट कर सकते हो और लास्ट साइलेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है आपको आपका फ़ोन ऑन करके साइलेंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। अगर इसमें प्रोसेसर की आप बात करते हो तो इसमें प्रोसेसर आपको मिलता है Dimensity का 9200 का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.0 GHz, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाएगा फ्लैगशिप लेवल। और साथ ही इसमें आपको जो मिल जाएगा नीचे और ऊपर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का आपको इसमें
सेटअप मिल जाएगा, यानी कि आप जब इसमें गेमिंग वगैरह या मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो इसमें आपको जो है डबल स्पीकर का जो है आपको सेटअप मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी बैटरी की। बैटरी जो है इसकी 23 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगी, और जो है इसकी फुल बैटरी अगर आपको चार्ज करनी है तो 100% बैटरी आपकी जो है 56 मिनट में इसकी फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी। रैम जो है इसमें LPDDR5X का आपको इसमें रैम मिल जाएगा। इसका जो डिस्प्ले रहेगा, डिस्प्ले जो है इसका HDR10+ सर्टिफिकेशन आपको इसमें साथ में मिल जाएगी, यानी कि हर तरह के नेटफ्लिक्स अमेजोन के वीडियोज़ हाई क्वालिटी हाई कंटेंट में या पबजी गेम वगैरह आप इसमें हाई रेजोल्यूशन में आप खेल सकते हो। और बात करते हैं इसकी जो है फ्लिप की लाइफ, ये जो इसका फ्लिप है ये इसकी लाइफ क्या है, तो कंपनी ने जो है इसको 600,000 टाइम इसको जो है फ्लिप कर करके कंपनी ने जो है टेस्ट किया है। अगर मान लो अगर आप इसको डेली 100 बार भी अगर इसको आप फ्लिप करते हो तो इसकी जो लाइफ रहेगी 16 साल इसकी लाइफ दी हुई कंपनी ने, और ये जो है सर्टिफाइड है। और इसमें जो है सबसे बेस्ट जो है इस बार कंपनी ने जो है, अगर शायद आपने इससे पहले सैमसंग का या ओप्पो का Find N2 फ्लिप भी देखा होगा तो इसके बैक स्क्रीन में जो है आपने देखा होगा कुछ चीज़ें कैमराज वगैरह वेदर वगैरह या स्टॉप वॉच वगैरह कुछ चीज़ें आप इसमें यहाँ पे एक्सेस कर सकते थे, बट इस बार जो है कंपनी ने इसमें 40+ 40 ऐप तक इसमें जो है आपको सपोर्ट दिया है, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा व्हाट्सअप गूगल पे फ़ोनपे मैप वगैरह हर चीज़ सॉन्ग्स वगैरह प्ले करने वाले जितने भी ऐप होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आपको सपोर्ट होती है। साथ ही इसमें यूट्यूब वगैरह फ़िलहाल तो सपोर्ट नहीं है, बट कुछ अपडेट के बाद कंपनी ने कहा है कि वो भी सपोर्ट हो जाएगा। अदर कंपनी में कुछ सैमसंग में तो नेटफ्लिक्स वगैरह 4 से 5 एप्लीकेशन सपोर्ट होते हैं, इसमें जो है आपको 40 ऐप तक जो है सपोर्ट इसमें मिल जाएगा। और सबसे यूनिक जो है आप जब इसमें इसकी छोटी स्क्रीन जो है बैक पैनल की आप इसमें कोई भी ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम्पल, तो इसी कंडीशन में जब आप ऑन करते हो आपका फ्लिप आप ऑन करते हो तो आपका जो है अंदर भी वही ऐप यूज़ रहेगा, वही आप इसमें देख सकते हो कि वही ऐप इसमें चालू रहेगा। तो ये बड़ा यूनिक सा फीचर दिया हुआ है इसमें। हम चेक करते हैं कि इसमें आपको सिम स्लॉट में आपको क्या मिलता है। तो जो है इसमें आप नैनो सिम 2 यूज़ कर सकते हो, मेमोरी कार्ड इसमें एक्सपेंडेबल नहीं है, 12GB 256 इनफ है वैसे तो, बट इसमें आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें हेडफोन जैक की भी अगर बात करते हैं तो हेडफोन जैक आपको इसमें नहीं मिलते, जो कि अगर आपको हेडफोन यूज़ करना है तो टाइप सी का ही हेडफोन इसके साथ में आपको यूज़ करना है। इसका कवर लगा के देखते हैं किस तरह से इसका कवर रहेगा। तो इसका कवर आपको इस तरह से लगाना है कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ से नीचे से इसका फर्स्ट कवर इसको आपको ऐड कर देना है इस तरह से, और सेकंड जो है इसका बैक कवर आपको इस तरह से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो बहुत यूनिक इसका जो है कवर लग रहा है। तो ये इस तरह से जो है कवर आपका इसको लग जाएगा, आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक दिख रहा है, बहुत ही बेस्ट लग रहा है। तो यही सारे इसके फीचर्स है। कुछ क्यूरी है कुछ आपको पूछना है तो मैं इसके बारे में सारी डिटेल आपको कमेंट में और बता दूंगा। तो देखते हैं अगर ये आपको परचेज़ करना है तो ये 17 तारीख जो है इसका फर्स्ट डे सेल रहेगा ऑल ओवर इंडिया। देखते हैं इसके ऑफ़र, अगर आपके पास ICICI और SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आज SBI और ICICI के क्रेडिट कार्ड पर आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा, आपको 12,000 रुपये अप टू 12,000 रुपये जो है इसका इंस्टेंट कैशबैक का ऑफ़र रहेगा फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको कार्ड पर EMI करना है, आपका क्रेडिट कार्ड जो भी है अगर आपको इसके ऊपर EMI करना है तो SBI और ICICI या और जो भी ऐड हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा, इस पर आप 24 मंथ तक का नो कॉस्ट EMI आप कर सकते हो, यानी कि 24 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर आप पेपर फाइनेंस वगैरह करना चाहते हो बजाज IDFC HDFC तो पेपर फाइनेंस पे भी आपको जो है इसमें ऑप्शन मिल जाएगा, 24 मंथ तक आप इसमें नो कॉस्ट EMI कर सकते हो। अगर आपको इस फ़ोन को लेने के टाइम पे आपका कोई फ़ोन एक्सचेंज करना है तो आपको आपके फ़ोन का एक्सचेंज का जो वैल्यू रहेगा वो तो मिलेगा ही, प्लस साथ में आपको 8,000 एक्सचेंज बोनस भी आपको इसके साथ में मिल जाएगा। और 5 जो इसका लास्ट जो है
180 डेज़ का स्क्रीन रिप्लेसमेंट का आपको इसमें ऑफ़र मिलता है 3500 में। इनकेस अगर आपका फ़ोन 180 डेज़ के अंदर अगर डैमेज वगैरह होता है या कोई प्रॉब्लम फिजिकल डैमेज होता है तो आप सर्विस सेंटर में जाके आप 3500 पे करके आपका ओरिजिनल डिस्प्ले आप लगवा सकते हो। तो ये जो रहेगा ओप्पो फर्स्ट डे सेल का लिमिटेड ऑफ़र रहेगा। इसकी जो ऑफ़र डेट रहेगी 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर इसकी ऑफ़र डेट रहेगी। बहुत अच्छे ऑफ़र आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको 5 ऑफ़र बता दिए है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू।